गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर। बड़ी ही उम्मीदों के साथ हम लोग इस क्लास में आए हुए हैं, तो बस इन्हीं उम्मीदों को ऐसे ही बनाए रखिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी बिल्कुल, उम्मीदों को बना के रखना है। क्लास 2 बजे रात में भी रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी उम्मीद वही। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कल की डेट में आपने क्या देखा था, मतलब इसकी पिछली क्लास जब हुई थी पिछले सप्ताह में, तब आप लोगों ने पढ़ा था सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, है ना। मतलब बुधवार को पढ़ा था ना, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन होता है, तो आपने बुधवार को पढ़ा था सरल व चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना पढ़ा था। इसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए थे, जिसमें आपने मिश्रधन निकालना, साधारण ब्याज निकालना और कुछ और भी सवाल किए थे थोड़ा बहुत। तो उसके आगे आज हम चलेंगे। अक्सर जैसे कहा जाए कि अगर आप रास्ते में निकले हों जर्नी पे, मतलब लंबा सफ़र के लिए, और आपने खाने पीने का कोई उपाय नहीं किया है, रास्ते में भी कोई उम्मीद नहीं कुछ मिलने की, तो आपका सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल भरा होगा और पूरा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी तरह से अगर हम इस साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ते हैं, अगर इसमें फार्मूले नहीं रखते हैं, फार्मूले हमें नहीं पता होते हैं, तो ये सफ़र भी हमारा उसी जर्नी की तरह अधूरा रहेगा या फिर बहुत मुश्किल भरा होगा। तो क्यों ना हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र नोट कर लेते हैं, पूरा ये जो ब्याज वाला चैप्टर है इसका पूरा सार, पूरा फार्मूला, सार मीन्स सारांश, समरी, ठीक ना। आज की क्लास में इतना ही कर लीजिए, जल्दी से फटाफट नोट करिए, पेन कॉपी निकालिए। सबसे पहला जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का, आप कक्षा 5 से पढ़ते आते हैं, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो साधारण मतलब होता है साथियों सिंपल, और ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मूलधन मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, दर, दर मीन्स होता है रेट, जैसे कहा जाए इस समय जो है दूध का रेट 60 रुपये लीटर है, ठीक। समय मतलब वही वर्ष महीना जो भी दिया हो, अक्सर एनुअल दिया होता है, क्योंकि कोई भी ब्याज जो हमें बैंक वगैरह देता है, जो अधिकतर सिस्टम होता है एनुअली होता है। और 100 आपको रखना है फार्मूले में। तो ये आपका पहला सूत्र हो गया बेसिक में, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला, ब्याज में एक और फार्मूला होता है। हर एक सूत्र को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये तो आप ब्याज निकालेंगे जब आपको मूलधन दर और समय दिया हो, लेकिन अगर ये सब ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे ब्याज। इसके लिए एक और फार्मूला है, वो है मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक। ये भी फार्मूला आपका ब्याज निकालने के लिए ही है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका ये सिंपल वाला फार्मूला। और साथियों इसी सूत्र से आप एक और बना लो लगे हाथ, वो क्या है? मिश्रधन। अगर कहीं आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? देखो इसी में से निकाल लेंगे। मिश्रधन बराबर हो जाएगा ये क्या, ब्याज धन मूलधन, या फिर मूलधन धन ब्याज लिख लो, सीधा फीधा हो जाए। नोट कर लेना जरूर, ये सारे फार्मूले हैं, एक ही क्लास में आप पा जाएंगे, ठीक ना। हो गया 3, जल्दी नोट करिए, फास्ट करिए तेजी के साथ, वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अभी इन सभी सूत्रों पर हम आपको सवाल देंगे, उनको भी कर लेना, ठीक ना। हाँ सवाल करना जरूर, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हो गए क्वेश्चंस, फार्मूले हो गए। अभी आपने 3 फार्मूले लिखे हैं, उन तीनों पर कुछ सवाल कर लीजिए। वैसे तो आपने पिछली क्लास में ये कर लिया था, लेकिन अभी हम कुछ हट के सवाल भी देंगे, नोट करना। देखिए पहला फार्मूला आपने लिखा था बिल्कुल सिंपल वाला, तो इसका निकाल देते हैं, इसमें रख करके ब्याज आपको यूज मालूम हो जाएगा फार्मूले का। 300 रुपये का, 300 रुपये का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 300, ये प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स मूलधन। दर यानी कि रेट क्या है, भाव क्या है, कह रहा कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट क्या है 7%। समय कितना है, 2 वर्ष का, और क्या निकालना था, साधारण ब्याज। बस आ गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 100 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 21, 21 × 42, मतलब कि 300 रुपये का अगर 7% वार्षिक ब्याज पड़ेगा तो 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 42 रुपये, मतलब 1 वर्ष का कितना होगा, 21 रुपये,
भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, 7% मतलब 100 रुपये में 7 रुपये हर साल मिलेगा, तो चूंकि 300 रुपये है तो आप 7 का 3 में गुणा कर लो, 21 रुपया हो गया। कितना दिन का? 1 साल का, लेकिन 2 साल का पूछा था तो इसलिए 21 का 2 में गुणा कर दिया, 42 रुपये हो गया। ये तो आप सिंपल माइंड लगा के कर लोगे, बाकी फार्मूला लगाओगे तो सब हो जाएगा। तो ये तो आपका यूज हो गया फार्मूले का। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लो जल्दी से, 300 की जगह पर आप लिख लो 700, और ये जो 7% था इसके लिख लीजिए 3%, और इसको लिख लीजिए 3 वर्ष। ये आपका होमवर्क हो गया, करना जरूर इसको, नहीं करोगे तो फिर आप जानो आपका काम। अब दूसरे फार्मूले के लिए लिखिए, सवाल लिखिए जल्दी से। दूसरे फार्मूले के लिए तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम इसी में सवाल बना दें तो इसी में देखो हमें क्या क्या मिल गया। हमें मिल गया क्या? साधारण ब्याज मिल गया, मूलधन देखो अभी पहले जो दिया था पहले उसको लिख लेते हैं। ये तो हो गया ना, आप कर लिए, पहले सुनिए, ये होमवर्क आप लिख लिए होंगे, ऊपर वाला लिख लिए। चलिए अब दूसरा इसी में क्वेश्चन बना देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन, पहले जो अभी आपने लगाया उसी पे आ जाओ ये, लेकिन सवाल अलग हो जाएगा तीसरा, ठीक ना? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूज मत होना। तीसरा क्वेश्चन है, 300 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ये तो आपने अभी देख लिया था पहले में, देख लिया था ना, तथा इसी में और लिखिए, साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताओ। अब देखिए इसमें एक सवाल और बन गया कि नहीं, इसको तीसरा नंबर डालना ये मत सोचना पहला है, ये अलग हो गया। साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों बताना है, और आप जानते हो कि साधारण ब्याज अभी अभी हमने निकाला था, 42 आया था। लास्ट में क्या लिखोगे ऐसे? मिश्रधन। क्या लिखोगे? मिश्रधन। मिश्रधन इक्वल क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, ठीक? तो मूलधन कितना रुपया था? 300 रुपये था ना प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर लिख दोगे 300 प्लस ब्याज कितना रुपया आया था? 42 रुपया। इस तरह से आपका जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 42 रुपये हो जाएगा, है ना? मिश्रधन बराबर होता है क्या? फार्मूला तो आपने अभी नोटिस किया था, ठीक ना? मूलधन धन ब्याज। तो ये साथियों आपने 3 सवाल देख लिया, और इसी पर आधारित अगर हम आपको एक और भी सवाल दे दें तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी में से, चौथा नंबर देखना। जो भी क्लास हो रही है, देखिए ये 7वीं क्लास है 3rd सेमेस्टर की, अगर आप शुरू से देखेंगे सीरियल से, जैसे आपने पहला देखा, दूसरा देखा, चौथा पांचवा देखा, छठवां सातवां सब देखेंगे एक तरफ से, तब आपको समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। अगर आप बस वही बीच कुछ देखते रहेंगे ना तो मज़ा ना आएगा, समझ में भी ना आएगा। कमेंट करना इसके लिए अगर कोई क्लास आपको नहीं मिली, छूट गई तो, और ऊपर नंबर भी दिया गया, संपर्क कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर चौथा नोट करिए, साथ साथ में लिखिए, कॉपी पेपर लेकर बैठा करिए। क्लास आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरह होती है, 40 मिनट की, लगभग 45 मिनट क्लास होती है, कोर्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी होती है, पूर्णांक लाने की भी हम गारंटी लेते हैं अगर आप हमारा कहे अनुसार चलें। तब देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या है इसमें लिखिए, यदि यदि नोट करिए साथ में, देखिए साथियों सवाल से सवाल बन रहा है, ध्यान से देखना, सवाल से सवाल बन रहे हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि यदि किसी धन के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 21 रुपया प्राप्त हुआ, किसी धन के लिए, धन नहीं पता कितना धन है, तथा उसका जो मिश्रधन है वो 171 रुपये हो, तो वो धन क्या था? मतलब मूलधन निकालना है, तो आप जानते हो कि मिश्रधन बराबर होता है एक फार्मूला आपका मूलधन धन ब्याज, तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका, लिख लीजिए, मूलधन बराबर ब्याज और ऋण मिश्रधन, है ना? क्या हो जाएगा? ब्याज ऋण मिश्रधन, इसे आप कर सकते हैं, या फिर मिश्रधन से आप ब्याज घटा दीजिए, बात समझ रहे हैं ना? इसे आप ऐसे लिख लीजिए, मिश्रधन ऋण ब्याज, बात समझ गए? तो मिश्रधन कितना है? 171 रुपये है, ब्याज है 21 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया? 150 रुपये हो गया ना,
बात समझ गए कि नहीं? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर गौर से समझिए, ठंडे दिमाग से। जैसे हमारे पास 300 रुपये मूलधन था, 300 मूलधन था, और फिर फार्मूले पर मत जाना, मतलब समझना। उसके बाद फिर क्या होता है, हम साधारण ब्याज 42 रुपये प्राप्त किए हुए हैं पहले से। अगर हम साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्रधन बन जाता है। मिश्रधन बन जाता है मतलब अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है, अगर उससे ज़्यादा साल का निकालना हो तो, ठीक। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं आपको मिश्रधन दिया है और ब्याज भी दिया है, मूलधन पूछे तो क्या करोगे? इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, कि जो मिश्रधन दिया है उसमें मूलधन जुड़ा है तभी मिश्रधन बना है ना। तो आपको मूलधन उसमें से निकल जाएगा आराम से जब उसमें से आप ब्याज को अलग कर देंगे। बात समझ में आई? तो ये आपके क्वेश्चंस पर आधारित जो भी मतलब सलूशन आपको मिल चुके हैं। आगे देखना, क्लास को पूरा देखना, बीच में मिस ना करना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मास्टर क्लास। डीएलएड बीटीसी का तो टाइटल और थंबनेल है ओनली, बाकी ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। एक और सवाल देखिए, ये भी एकदम मास्टर सवाल है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना, बहुत गौर से देखना। कह रहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है। और कितना साल के लिए दिया जाता है? 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। फिर उस दिए गए धन पर 120 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, 120 रुपीज का ब्याज मिलता है। तो वो धन बताओ कितना रुपया था। अब देखिए इसमें दिया क्या है, फार्मूला हमने ऊपर लिख दिया मोटा मोटा, ध्यान देना ये फार्मूला लगेगा इसमें। सबसे पहले मैथ में हम लोग लिख लेते हैं दिया है, ऐसा करने पर बहुत आसान हो जाता है। दर दी है, क्या दिया है, दर मतलब आर दिया है, रेट 5% दिया है। कोई धन उधार दिया जाता है, कितना दिन के लिए, समय दिया यानी कि यन, 3 वर्ष दिया है। उस पर ब्याज भी मिल रहा है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI दिया है। वो कितना दिया, 120 रुपया। निकालना क्या है, उस धन को बताना है, मतलब मूलधन बताना है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है यानी कि फीए बताना है, ये पता नहीं है। सिंपल सा फार्मूला लगा लो, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 अपान समय गुणे दर, बस आ जाएगा। लगा लीजिए मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज कितना है देखो, 120 रुपया, 100 ये फार्मूले में लगेगा 100, ठीक। समय और दर, समय है 3 वर्ष, दर है 5, तो समय कितना है 3, दर है 5। काट डालो इसको फटाफट, 3 चौक 12 40 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 0 गुणा कर लो, 4 दूना कितना हो गया, 800 रुपया। मतलब कि 800 रुपये क्या था, मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी 800 रुपये को क्या किया था, उधार दिया था, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया था, 3 वर्ष के लिए दिया था, तो 120 रुपये का ब्याज मिला था। कितना रुपया उधार दिया था, 800 रुपये दिया था। समझ में आई बात ना, नोट करके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करें, बहुत फास्ट करें, और क्लास को पूरा देखना अगर समझना है तो। SSC, बैंक, रेलवे, कुछ भी परीक्षा देने वाले होंगे, UPSI से लेकर के बिहार का जनरल कॉम्पिटिशन, हाई कोर्ट, ग्रुप D ग्रुप C, सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बचपन वाला। ये सवाल को पलट के भी आपसे पूछा जा सकता है, जो अभी आपने देखा उसी का जस्ट एक मिरर रूप में। देखिए उसमें आपने क्या निकाला था, उसमें आपने मूलधन निकाला था ना, इसमें हम दर निकालेंगे। वैसे का वैसे सवाल है, अगर हर तरीका समझोगे ना, कभी फेल ना होगे एग्जाम में, तभी तो 25 में 25 मिलेगा। और PBR स्टडी वाले स्टूडेंट्स हासिल करके दिखाते हैं, बिल्कुल नाम नहीं बोलना है, नाम करके दिखाना है और अच्छा काम करके दिखाना है, क्योंकि नाम तो बुरे काम में भी होता है, लेकिन वो नाम किसी काम का नहीं। 600 रुपये को 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कितना रुपया है, 600 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, कंठस्थ कर लीजिए। उस पर 180 रुपये का ब्याज मिला, कितना मिला, 180 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर बताओ, रेट बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का किस रेट पर दिया गया था ये उधार, ठीक ना। कैसे निकालोगे, एक नया फार्मूला इसको नोट करिए, दर बराबर, उसमें देखिए आपने थोड़ा सा अलग लिखा था, क्या लिखा था, मूलधन बराबर, अभी जो आपने लिखा था क्या, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100, इसको लिखा था, नहीं लिखा था, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर, ये लिखा था ना। अब लिखिए दर बराबर ब्याज गुणे 100
क्या लिखेंगे? ब्याज गुणे सौ, हंड्रेड लिखना है, हंड्रेड ब्याज इंटू हंड्रेड, और नीचे लिख लो वही मूलधन गुणे समय। क्या लिखेंगे? मूलधन गुणा समय। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, नोट कर लेना। और ये सौ मतलब हंड्रेड, ठीक। तो रख दीजिए, रेट आ जाएगा आपका, ब्याज है 180 रुपीज, हंड्रेड फार्मूले में वैसे निकाल दो, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 600, समय दिया है 3 वर्ष के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 और 20 से 20 कट गया, बहुत आसान है ना। 6 और 3 का गुणा कर लोगे 18 हो जाएगा, 18 से 18 काट दोगे एक साथ कट जाएगा। परेशानी हो रही मत करो, ऐसा 6 से काट दो पहले, ये 6 3 18 और 0 30 हो गया। 3 से काट दो क्या आ गया? 10। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ कटने मरने के बाद बचता कितना है, कितना बच रहा है? सिंपल सी बात है यार, देखो इधर नीचे का सब कट गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, यही एक अकेला जीरा है 10। क्या बचा? 10, मतलब कि दर जो है ब्याज की वो कितना थी? 10% ब्याज की दर थी। और इसको सिद्ध भी कर लो एक सिंपल माइंड से, 10% सही है गलत है? जरा सोचिए, रुपया कितना है? 600 रुपया है, 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा है, 3 वर्ष के लिए, और 10% आ रहा है। इसका मतलब ये सोचो पहले आप कि 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगी, 1 वर्ष के लिए, तीनों वर्ष में 180 रुपया मिली थी ना, तीनों वर्ष में 180 मिली थी, यानी कि 1 वर्ष में कितना रुपया मिली ब्याज में? 60 रुपया मिली। भागना मत, कॉन्सेप्ट समझना, 1 वर्ष में 60 रुपये का ब्याज मिला होगा ना, मिला ना, तो कितने रुपया पर मिला लेकिन 60 रुपया? 600 रुपया पर मिला था ना, कितने पर? 600 रुपया पर 60 रुपया मिला था, मतलब 10 × 60 होता है ना, होता है, यानी कि 100 रुपया में 10 रुपया हर साल ब्याज मिली थी, 100 रुपये में 10 रुपया मिली थी, और इसी तर्ज पर फिर 600 रुपया में 60 रुपया हुआ, ठीक, एक साल का, और 3 साल का था तो ये 3 से गुणा कर दो, 180 रुपया हो गया, और यही तो आया था ना, उत्तर सिद्ध हो गया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, गारंटी लेते हैं कि आपको आ जाएगा, लेकिन गारंटी तभी होगी जब आपकी दिल कहेगा कुछ करने को तब, बाकी हम जबरदस्ती गारंटी नहीं लेते हैं। चलते चलते उन्हीं सूत्र का बनाया हुआ एक सूत्र और नोट करिए, जल्दी करिए। समय बराबर ब्याज गुणे 100 / मूलधन गुणे दर, अगर इसी में समय निकालना हो तो कैसे करेंगे? हो गया नोट, बहुत फास्ट करिए। उसके पहले आप हमारी पेड क्लासेज का, मतलब जो लोग पैसा देकर पढ़ते हैं, उस क्लास का भी 60% भाग फेसबुक पर फ्री में देख सकते हैं। आज ही PVR स्टडी को फेसबुक पर लाइक करके फॉलो करें, वहाँ पर मौज मस्ती के लिए आप लोग देखते होंगे, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, इकट्ठा बटोरते हैं, लेकिन वहाँ पर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक अच्छा एक बुरा दोनों पहलू होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं, ठीक ना। तो फेसबुक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और आज ही सर्च करें PVR स्टडी, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना। और इतना ही नहीं, कोई इंक्वायरी है तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो फार्मूला सामने लिखे हो ना तमाशा की तरह, इसका एक क्वेश्चन भी देख लो जिससे आपको लगे कि हाँ ये काम का है, इसका भी उपयोग देख लीजिए। शीला ने बैंक से 3000 रुपये उधार लिया। अब भाई शीला कौन था और 3000 रुपये ही क्यों लिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो शीला कोई भी एक लड़की का नाम है, एक महिला का नाम है, उसने 3000 रुपये उधार लिया, काहे ले लिया? अपनी काम के लिए लिया, अपने शौक श्रृंगार के लिए, हमें से मतलब नहीं है। उसके बाद फिर उसको क्या करना पड़ा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक को ब्याज देना पड़ा। तो पूछा गया है कि ये सारा जो कारनामा हुआ, ये सारा कार्यक्रम कितना दिन में हुआ, मतलब एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए सीधा फीधा कि ये जो 5% वार्षिक ब्याज से 1500 रुपये का ब्याज पड़ा है वो कितना दिन के लिए पड़ा, क्योंकि एक साल का तो 5% वार्षिक था, ये समय निकालना है। और अभी हमने आपको समय दिया था, है ना, क्या दिया था? समय बराबर लिखा था ना, क्या था? 100 लगा करके गुणा किया था मूलधन में, लिख लो जल्दी से, क्या? ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणा 100, नीचे क्या होगा, मल्टीपल कर लो मूलधन का दर में, क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर। तो साथियों ब्याज है 150 रुपये का, दर है कितना?
ये अंडर तो ऐसे था, मूलधन जो है वो 3,000 रुपया है, दर जो है वो हमें निकालना है, नहीं दिया है 5%। बस हो गया, इतना ही तो था सारा खेला ना। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 0 से 2 0, ये 3 0 से 3 0, देखो कितने प्यार से सब कट जा रहे हैं, सब कट जा रहे ना। अब ध्यान देना यहाँ, समय कितना आएगा ध्यान देना, बहुत गौर से समझना। अब आपका बचा क्या इसमें, देखो 3 से इसको काट दोगे 5 आएगा, 5 से कट गया ये भी आ गया, मतलब 1/1 फाइनल में 1 आया, कितना आया 1 आया, मतलब ये सब पूरा बहुत जल्दी हुआ, 1 ही साल में हुआ। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, 5% निकालोगे 3,000 रुपया का, निकाल के देखो 1500 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 ही साल का था ये। अगर 2 3 साल का होता ना तो 500 150 रुपया ना होता, ये 2 साल का होता तो 300 रुपये, 3 साल का होता तो 450 रुपये हो जाता। इस तरह से आज आपने कम से कम 7 फार्मूले देख लिए और 8 से 9 सवाल भी देख लिए। इसी पर आधारित आप लोग कुछ क्वेश्चंस खुद के से घर से कर लेना होमवर्क के रूप में, ठीक ना। अगर होमवर्क करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं करोगे तो फिर आप जाने आपका काम। कुछ सवाल हम दे रहे हैं उनको नोट करना, नहीं आएंगे तो बताया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कि बहुत ही खास हैं, इनको ध्यान से देखिए और होमवर्क के रूप में इनको नोट करके संचो करके रख लीजिए। 400 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि ब्याज की दर यानी कि जो रेट है, दर है सिंपल इंटरेस्ट की, वो 6% है तो ब्याज बताइए, दर दिया है, ब्याज पूछा है। 500 रुपये का किस ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, बताना, कोशिश करना, ना आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। थर्ड सेमेस्टर की नई बैच आपकी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसकी ज्वाइनिंग आपकी 3 या 4 अक्टूबर तक होगी, बस उसके आगे नहीं। जिनको जिनको थर्ड बैच का जो है वो नई क्लास लेना है, उन लोगों को नंबर पे संपर्क करने हैं, नंबर हमने आपको पहले से दे दिया है। और अगर आपका पेमेंट ये 30 तारीख की शाम यानी कि रात्रि 12 बजे तक पूरा हो जाता है तो आप 549 रुपये का ही पेमेंट करेंगे, नहीं तो आपके इसके लिए अगर आप 1 या 2 में पे करेंगे, 1 या 2 अक्टूबर में, तो आपको 599 का पे करना होगा। और अगर आप अंतिम समय में पेमेंट करेंगे, मतलब 3 या 4 अक्टूबर में, तो इसके लिए आपको 600 कुछ रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक ना। अभी यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको लगभग का बता दे रहे हैं। पूरा कोर्स आपको घर बैठे मिलेगा, बिना किसी टेंशन के। आप देखिए पूरा कंप्लीट कोर्स करिए घर बैठे, ये हमने आपको अलग अलग बता दिया। 30 सितंबर 2019 तक ओनली 549 पहला का, बाकी उसके बाद 1 या 2 में अगर आप करेंगे तो आपके पास टाइम है 599 का, और अगर आप 3 या 4 में करेंगे अंतिम समय में तो आपको वो भी बता दिया जाएगा, नंबर पर इंक्वायरी करिएगा। गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी एकदम बेसिक से, बस उसके लिए आपको ज्वाइन करके रेगुलर देखना पड़ेगा। और PVR स्टडी के दूसरे चैनल PVR स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहाँ पर फ्री क्लास मिलेगी। तो साथियों चलते चलते आपको यहाँ पर कुछ और भी दिखा देना चाहते हैं, जो आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सब सलूशन आपके सामने है। एक चैनल एक नंबर, जी हाँ बिल्कुल, फ़ोन आप कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर अभी नहीं करिएगा, आपको तरीका बता दिया जाएगा। अगर कोई सवाल जवाब करना है तो ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अभी जस्ट 5 मिनट बाद आपकी अगली क्लास होगी DLED का, प्रथम सेमेस्टर सुबह 6 बजे से होगी। तो साथियों और सॉरी माफ़ करिएगा, 6 तो बजे ये हो चुकी है, 6:30 बजे से होगी, आपसे जस्ट 5 मिनट बाद फिर से चैनल पर वापस आइएगा। PVR स्टडी लाइव सर्च करके उसको भी देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित वो भी क्लास होगी। मैं आपको बता दूं, आज 6:30 बजे से आप पढ़ेंगे दशमलव, दशमलव को जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से, तो उसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल मुफ्त की क्लास होगी, फ्री की क्लास होगी। और हाँ थोड़ा सा मैनेज करेंगे अगर आप लोग, तो हम आपको अच्छी क्वालिटी देंगे, सभी सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए नाम मात्र का आपको टैक्सी के किराए से भी कम सिर्फ और सिर्फ 549 रुपये का पेमेंट करना है, और वो भी एक बार करना है, कोई मंथली चार्ज या फिर कोई एनुअल नहीं करना है।
तो साथियों शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ावा दें जिससे कि लाखों रुपए जो ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में जा कर के खर्चा करते हैं, एक बार क्लास देखते हैं, बारिश होती है तो आपकी क्लास छूट जाती है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है आपकी क्लास छूट जाती है, आप किसी कारण से नहीं पहुंच पाते आपकी क्लास छूट जाती है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप 10 दिन भी नहीं आएंगे, कोई काम इंपॉर्टेंट लग गया नहीं देख रहे हैं, 10 दिन बाद भी आप वहीं से देखेंगे जहां आपका छूटा रहेगा, हम आपको पूरी क्लास उपलब्ध करवाएंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो है अंतर समझ गए होंगे, तो डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करें। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। फिर से मिलते हैं जस्ट थोड़ी देर बाद, यानी कि आपसे 5 मिनट बाद। थैंक यू।